हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिफोर रेसिपी और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गे। जैसा कि हम सभी को पता है कि केबीसी फॉर्मेट में अपनी क्विज चल रही है और यहां पर आपको तरह तरह के सवाल मिलने वाले हैं। तरह तरह के सवाल ऑलरेडी आप लोगों ने पिछले 13 एपिसोड्स में देखा भी है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को कुछ ना कुछ जानकारी यहां से हर एपिसोड में आपको मिल रही होगी। साथ ही साथ आपकी जो पिछली जानकारी है जो आपके पास ऑलरेडी होगा उसको भी कुछ ना कुछ उसमें एडिशनली जुड़ता चला जा रहा होगा। तो चलिए, हमेशा की तरह आपसे वही दो रिक्वेस्ट, परिवार पर्यावरण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है पहली बात, और दूसरी बात बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो, ठीक है। फोकट का पब्लिसिटी नहीं मांग रहा, लेकिन अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप इसको दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि एक तो हमारी भी मेहनत लगती है और थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो थोड़ा हमें भी खुशी होगी। चलिए, बोल बचन खत्म, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन रहा 500 के सांकेतिक रूपों का, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ पुराण्स, आपको ये पता होगा कि वेद हमारे पास है, हमारे पास अरण्यक है, हमारे पास वेदांग है, तो उसी ढंग से एक सवाल पूछ लिया जाता है कि पुराण की संख्या बताइए, नंबर ऑफ पुराण्स आर, कि कुल जो पुराण है उनकी कुल संख्या कितनी है। द नंबर ऑफ पुराण्स आर, आपके ऑप्शन है 10, 18, 15, 4, इन चारों में पुराणों की संख्या कितनी है, जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देते चलना है और बिल्कुल ईमानदारी के साथ। पुराण की संख्या कितनी है, प्राचीन काल में आपको पता होगा कि हड़प्पा के बाद आपके वैदिक एज आया था जिसमें वेद, पुराण, अरण्यक इन सब की रचनाएं की गई थी, उपनिषद की भी रचनाएं हुई थी, ठीक है। तो आपको बताना कि पुराणों की संख्या कितनी है, 10, 18, 15 या 4, इन चारों ऑप्शन में से कौन से सही जवाब है। चलिए, जल्दी से समय को समाप्त कर रहा हूं और चलेंगे अब आंसर की तरफ, और आपका सही जवाब होगा दोस्तों, समय समाप्त हुआ आपका और आपका सही जवाब है आपका 18। जो वेदों की चार वेद हैं उन वेदों को ना बहुत कलिष्ट मतलब संस्कृत में लिखा गया, बिल्कुल शुद्ध संस्कृत में लिखा गया, जिनको पढ़ना आसान नहीं था, बिल्कुल ही आसान नहीं था। तो इन्हीं वेदों को सरल करने के लिए हमने वेदांग की स्थापना की, इन्हीं वेदांग को और सरल करने के लिए हमने अरण्य की स्थापना की, फिर उसको लोगों की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हमने उपनिषद की स्थापना की। समय समय पे हम लोगों ने इन वेदों को और सरल करके साथ में राजाओं के राजकाल को जोड़ते हुए हमने पुराण की स्थापना की, जिसमें आप विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, इनफैक्ट जब किन्हीं की अंत्येष्टि वर्क होती है, जब कोई व्यक्ति हमारे हिंदू धर्म में मर जाते हैं तो आप देखते हो कि उनकी आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण का यहाँ पर जाप किया जाता है। तो इस तरह से जो पुराण है उनकी कुल संख्या पूछी गई थी, जिसका कुल संख्या है आपका 18। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1000 के सांकेतिक रूप के लिए आपका सवाल है कि साइंस का, ये आपका पॉलिटी का सवाल है, मिक्सअप। मैंने हमेशा की तरह बोला कि हर सब्जेक्ट को हमारा ये प्रयास होता है कि हर सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ आपका दिया जाए, कभी किसी एपिसोड में ज्योग्राफी ज़्यादा होगा, कभी पॉलिटी ज़्यादा। बहरहाल क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अनुसार, वट इज द विद इन टाइम लिमिट टू प्रेजेंट द नैप्ड पर्सन इन फ्रंट ऑफ नियर बाय मजिस्ट्रेट। सिंपल भाषा में बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, किसी व्यक्ति को पुलिस जो है वो बंदी बनाती है, गिरफ्तार करती है, उनको नैप करती है अपने घर में या थाने में, तो कितने घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी जिनको बोलते हो, कि कितने घंटे के अंदर नियर बाय मजिस्ट्रेट, चाहे वो कोई भी मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, नियर बाय मजिस्ट्रेट के अंदर के सामने उनको पेश करना है, ठीक है। कोई भी मजिस्ट्रेट, मान लो कि जैसे मान लो कि अगर आप बिहार से हो और बिहार का कोई अपराधी आपको पकड़ाता है पंजाब में, तो 24 घंटे में तो आप उसको लेकर के मान लो नहीं आ पा रहे हो, तो जो भी वहाँ का नियर बाय मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने आपको इतने घंटे के अंदर उसको पेश करना पड़ेगा, ये उसका अधिकार है। तो आपको बताना कि संविधान के अनुसार मैक्सिमम वो जो टाइम है वो कितना है, कितने घंटे के अंदर उस बंदी आदमी को, उस गिरफ्तार आदमी को जो लोकल मजिस्ट्रेट हैं, जो नियर बाय मजिस्ट्रेट हैं, उनके सामने पेश करना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा टाइम आप नहीं ले सकते हैं अगर वो पब्लिक हॉलीडे नहीं है तो। ये याद रखिएगा, पब्लिक हॉलीडे जो है वो मायने नहीं होता, संडे मायने नहीं होता, ठीक है, ये याद रखिएगा। आपके ऑप्शन है 12 घंटे,
7 घंटे 24 घंटे 14 दिन, ठीक है, 12 घंटे 7 दिन, इन चारों में वो कौन सी टाइम लिमिट है जिसके अंतर्गत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसके नियर बाय मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है। मैंने आपको पहले बोला संडे और हॉलीडे इंक्लूड नहीं होगा, यानी वर्किंग डे होना चाहिए। चलिए, समय समाप्त हुआ आपका और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका 24 घंटे। यानी कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 20 जो है संविधान का अनुच्छेद 20 आपको ये एक सुविधा देता है, ये एक अधिकार देता है कि आप अपनी गिरफ्तारी की वजह जान सको और साथ ही साथ आपको 24 घंटे के अंदर जो भी वहाँ के निकटतम जो आपके दंडाधिकारी हैं, नियर बाय जो मजिस्ट्रेट हैं, उनके सामने 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पेश करना अनिवार्य है। बहरहाल संडे और पब्लिक हॉलीडे इंक्लूड नहीं है। चलिए अगला सवाल 2000 के सांकेतिक रूप के लिए, और जिस दिन आप टॉप करोगे दोस्तों, जैसे अभी हमने बोला ना कि पूरा वीकली हमने रिव्यू किया है, और इस सप्ताह के जो विनर हैं उनके नाम इस टेस्ट के साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अभी तक जो 13 एपिसोड हो चुके हैं उसके विनर कौन है, ठीक है। अब फिलहाल इस सवाल को देखिए तो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूलर हैड ग्लोरियस हिस्ट्री एंड कैपिटल एट हम्पी, बोल रहा है कि इसमें से कौन से राजवंश हैं इन चारों में जिसका एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है, स्वर्णिम शासन काल रहा है, और उनकी जो राजधानी रही है वो हम्पी में रही है, ठीक है, यानी इनकी राजधानी हम्पी रही है और साथ ही साथ इनका जो शासन काल है बहुत ही ग्लोरियस रहा है, बहुत ही स्वर्णिम माना जाता है उस क्षेत्र के लिए। तो आपको बताना इन चारों में वो कौन सा राजवंश है। आपका ऑप्शन है बहमनी किंगडम, बहमनी राज, ठीक है, विजयनगर किंगडम, विजयनगर राज या विजयनगर साम्राज्य बोल लो, बहमनी साम्राज्य बोल लो, यादव डायनेस्टी यानी यादव वंश, और फिर आपका पल्लव डायनेस्टी यानी पल्लव वंश। इन चारों में से वो कौन सा वंश या राजवंश है, किंगडम है, जिसका इतिहास बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है और जिसकी राजधानी जो थी वो हम्पी में थी। चलिए, इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है, बहुत ही प्रसिद्ध ये राजवंश भी है, बहुत सवाल बनते हैं इससे, ठीक है। तेनाली रावण का आपने नाम सुना होगा, वो इसी राजवंश से बिलोंग करते हैं। चलिए, आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर जो कि आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आपका आज़ाद हुआ था और दक्षिण भारत का एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है इसका। समझिए कि मध्य भारत में, मध्यकालीन भारत में जब चारों तरफ आपके विदेशियों का शासन था, मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन था, तुर्कों का, अफगानों का शासन था, उस समय हरिहर और बुक्का जो दो भाई थे उन्होंने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की है, तो नाम याद रखिएगा हरिहर और बुक्का करके जो दो आपके भाई थे। बहमनी किंगडम इसका बिल्कुल शत्रु है दोस्तों उसी क्षेत्र का, जिसमें आपको गोलकुंडा बरार वाला क्षेत्र देखने को मिल जाएगा, और इसकी स्थापना की थी बहमन शाह ने, ठीक है, इसलिए इसका नाम बहमनी पड़ा है। यादव डायनेस्टी काफ़ी फेमस है, ये आपको देखने को मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी के समय, और पल्लव डायनेस्टी ये मेनली जो है चालुक्य के साथ इनका जो है झड़प काफ़ी था, और मंदिर निर्माण जो दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली देखोगे तो उसमें पल्लवों की बहुत बड़ी देन है, ठीक है। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका विजयनगर। चलिए, सेशन अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं, और नोट करते चलेंगे अगर, क्योंकि ये भविष्य में आपको काम आएगा, समय समय पर आप रिवीजन भी कर सकते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक है, तो अभी तक हम लोगों ने आपका कलहन बिलहन, पृथ्वीराज राशो, मुद्रा राक्षस, इन लोगों को देखा है। अब एक और फेमस राइटर हैं प्राचीन काल के, जिनका नाम है हाल, ठीक है, हाँ ये हाल चाल नहीं पूछ रहा, इनका नाम ही है हाल। तो बोला जा रहा है कि इसमें से जो कौन सी पुस्तक है जो हाल के द्वारा लिखी गई है, यानी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं ये प्राचीन काल के। आपकी पुस्तक का नाम है इंडिका, राजतरंगिनी, मिर्च कटकम और गाथा सप्तसी, इन चारों में से वो कौन सी पुस्तक है जो हाल के द्वारा लिखी गई है। हाल जो है मेनली आंध्र सातवाहन वंश से बिलोंग करते हैं, और जो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है उसमें सातवाहनों के इतिहास को बहुत ही
मतलब वैभवशाली बताया गया है। उनके व्यापार, रोमन लोगों के साथ व्यापार, उनके शासन प्रणाली, उनके आर्थिक नीति, सबको बहुत ही सुदृढ़ता के साथ बताया गया है। साथ ही साथ जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को भी यहाँ पर बताया गया है। तो आपको बताना कि इन चारों में से वो कौन सी पुस्तक है जो हाल के द्वारा लिखी गई है। चलिए, समय समाप्त हुआ और चलते हैं हम लोग अपने आंसर की ओर। आपका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती जो है ये हाल के द्वारा लिखी गई बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जो आपके आंध्र सातवाहन यानी सातवाहनों के शासनकाल में लिखी गई थी। इंडिका जो है ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की है। राजतरंगिणी ये आपका कलहन के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। इसमें मेनली ये इम्पोर्टेंट आपका इसलिए क्योंकि कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी पुस्तक है जिससे कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है, तो याद रखिएगा ये राजतरंगिणी ही ये पुस्तक है कलहन की, जिसमें आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मृच्छकटिकम ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय की ही लिखी हुई पुस्तक है और इसके रचनाकार हैं शूद्रक। तो बहुत ही चारों के चारों पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिका भी मौर्य वंश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मृच्छकटिकम आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से जुड़ा हुआ है, और गाथा सप्तशती ये आंध्र सातवाहनों के काल से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल आपका 5000 के सांकेतिक रूप के लिए ये रहा। लाइकेन, लाइकेन एक तरह का पौधा होता है दोस्तों, एक तरह के, तो ये पौधा बोलता है ना कि एक इंडिकेटर का काम करता है, एक संकेतक का काम करता है। जब भी आपके कुछ उस क्षेत्र में बदलाव होते हैं तो उसको ये प्रदर्शित करता है। जैसे आप देखते हो ना कि वो छुई मुई का पौधा, कि जैसे ही आप उसको टच करते हो वो मुरझा जाता है, यानी कहीं ना कहीं आपके स्पर्श को उसने फील किया। तो ऐसे ही यहाँ पर बोल रहा है कि लाइकेन एक पौधा है जो प्रदूषण के को फील करता है, और जहाँ भी प्रदूषण बढ़ती है फिर ये पौधे उस क्षेत्र में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, यानी इनकी संख्या तेजी से घटेगी। तो बोल रहा है कि लाइकेन इज एन बेस्ट इंडिकेटर, कौन से प्रदूषण के लिए ये बेस्ट इंडिकेटर का काम करते हैं, इन चारों में से कौन सा वो प्रदूषण है जिसके लिए आपको लाइकेन जो है वो बेस्ट इंडिकेटर है, यानी अगर उस क्षेत्र में पहले लाइकेन था और अब नहीं है तो आप इजी समझ पाओगे कि उस क्षेत्र में इन चारों में से वो प्रदूषण जो है, जो आपका जवाब होगा वो उधर बढ़ा है। तो चारों में से वो कौन से प्रदूषण है जिसको लाइकेन के द्वारा बेस्ट रूप से यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, संकेतक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी लाइकेन बढ़ेगा यानी प्रदूषण घट रहा है, और लाइकेन घट रहा है मतलब प्रदूषण बढ़ रहा है, तो चारों में से वो कौन सा पॉल्यूशन है। आपके ऑप्शन है सॉइल पॉल्यूशन यानी मृदा पॉल्यूशन, वाटर यानी जल प्रदूषण, साउंड प्रदूषण यानी ध्वनि प्रदूषण, और एयर यानी वायु प्रदूषण। इन चारों में वो कौन प्रदूषण है जो लाइकेन के द्वारा आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर लाइकेन की संख्या बढ़ रही है तो आपका प्रदूषण जो है वो घटेगा, अगर लाइकेन जो है वो घट रहा है यानी वो जो प्रदूषण है वो तेजी से बढ़ेगा। इतना डिस्कशन जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए समय समाप्त हो गया और आंसर की ओर चलते हैं। आपका सही जवाब होगा यहाँ पर वो है आपका एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो है ना वायु प्रदूषण, इसको लाइकेन के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर लाइकेन जो है बेस्ट इनके इंडिकेटर होते हैं, एयर पॉल्यूशन जब बढ़ेगा तो लाइकेन की संख्या तेजी से बढ़ती है, तेजी से सॉरी घटती है, याद रखिएगा। चलिए अगले हिंट वाला सवाल आपके लिए आ गया। हर तरह के हर क्षेत्र के सवाल आपके लिए हैं, तो आपको उस राज्य के बारे में बताना है, इसी बहाने आप सभी राज्यों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो आपको 3-4 हिंट दिए गए, आपको बताना है वो कौन सा राज्य है। बोलता है कि देखिए, दिस स्टेट हैविंग होली टेम्पल ऑफ तिरुपति बालाजी, बोलता है कि इस राज्य में तिरुपति बालाजी का बहुत ही प्रसिद्ध आपका मंदिर है, ये आपका पहला हिंट हो गया। दूसरा हिंट बोल रहा है इट्स शेयर इट्स बाउंड्री विद बे ऑफ बंगाल एंड तमिलनाडु। दूसरा हिंट ये है कि इस राज्य की जो सीमा है वो बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु से जुड़ती है। ठीक है, और किसी से जुड़े ना जुड़े, इन दोनों से तो पक्का जुड़ती है, बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। फिर देखिए, तीसरा हिंट बोल रहा है कि उगडी और पेड्डापोंडुगा मेनली संक्रांति को बोलते हैं, तो उगाड़ी और पेड्डापोंडुगा जो है यहाँ इस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। और चौथा हिंट बोल रहा है कि भाषा के आधार पर
बनने वाला ये भारत का पहला राज्य है। चार हिंट, ध्यान से सुनिएगा और नोट्स भी करते जाएंगे कि सबसे पहले तो इस राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल ही एक प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी महाराज का, तिरुमाला जो पहाड़ी है उस पर, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि ये अपनी सीमा साझा करता है बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु के साथ। तीसरा, उगड़ी और पेड्डापंडुगा जो है, जो कि संक्रांति को बोलते हैं, वो यहाँ का मुख्य त्यौहार है। और चौथा, कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का ये पहला राज्य है। तो इन चारों में से वो कौन से राज्य हैं जो इन सभी खूबियों के साथ हैं? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। चारों में से आपको बताना कि वो कौन से राज्य हैं जो इन सभी खूबियों को से लैस है। चलिए, समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ और अब तक उम्मीद है कि आपने कमेंट सेक्शन में अपने जवाब बिल्कुल ईमानदारी के साथ दे दिए होंगे। सेशन को शेयर करते जाएंगे और आपके सही जवाब होंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो राज्य है जिसमें ये सारी खूबियां हैं। आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, जो आपका 1953, याद रखिएगा 1953 ईस्वी में बना था, ठीक है। यहाँ पर इसके लेकर के काफ़ी भूख हड़ताल भी हुए, एक क्रांतिकारी जो थे वो मरे भी, और आप कमेंट सेक्शन में चाहो तो उनका नाम बता सकते हो कि कौन से क्रांतिकारी थे जो आंध्र प्रदेश की राज्य की अलग राज्य की मांग पे भूख हड़ताल की इन्होंने, और जो है तेलुगु, मेनली वो तेलुगु लैंग्वेज को लेकर के मांग कर रहे थे कि तेलुगु लैंग्वेज को एक अलग राज्य बनाया जाए, क्योंकि उस समय ये सभी क्षेत्र जो है वो आपका मद्रास प्रेसिडेंसी यानी तमिलनाडु वाले क्षेत्र का हिस्सा था। तो आपको बताना है, हिंट के लिए मैं बता दूं कि अभी एक फिल्म आई थी RRR, आप सभी ने उम्मीद है देखी भी होगी। तो RRR में ना उस व्यक्ति का, उनका एक कैरेक्टर भी है। तो आपको बताना है कि वो कौन से व्यक्ति थे जो तेलुगु राज के नाम पे अलग राज्य के नाम मांग कर रहे थे और नहीं मिलने के कारण भूख हड़ताल से उन्होंने अपनी जान भी त्याग कर दी। बाकी सभी खूबियाँ तिरुपति बालाजी, यहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के साथ ये सीमा भी साझा करता है, तमिलनाडु के साथ भी करता है, साथ ही साथ आपको ये तेलंगाना, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ भी अपनी सीमा साझा करेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो विशाखापट्टनम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सबसे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके अलावा और देखिए तो यहाँ पर अमरावती नाम का एक जगह है जो कि इसकी राजधानी हुआ करती थी। अभी इस कुछ विवाद चला है तो मे बी उसमें कुछ चेंजेस आए, वर्तमान समय में अभी अमरावती ही है, ठीक है। और उसको अभी विशाखापट्टनम वाइजाग कर दिया गया है, राजधानी जो है अमरावती से चेंज होके विशाखापट्टनम वाइजाग आ चुका है। और आपको ये देखिएगा कि अमरावती जो है ना एक बहुत ही फेमस प्राचीन काल की मूर्तिकला भी है। तो इन सभी खूबियाँ हैं आपके आंध्र प्रदेश की। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत में देखिएगा तो यहाँ की बहुत ही एक फेमस डांसिंग स्टाइल भी है। कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएगा कि आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। जैसे तमिलनाडु का भरतनाट्यम है तो आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश का कौन सा है। आपको हिंट के लिए बता दूं कि उसका नाम जो स्टार्ट होता है वो क से है और उसके लास्ट में जो वर्ड है ना आप वो कभी कभी फेस्टिवल पे खाते हो। चलो हिंट समाप्त, आप खोजो और जवाब कमेंट सेक्शन में दो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक योजना है सरकार की, उसके बारे में आपको कुछ बताना है और योजना का नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। पूरा नाम आपको मैंने बता दिया, सिंपली लोग इसको आयुष्मान भारत के नाम से ही जानते हैं। तो पूरा नाम आपको मैंने बताया, आयुष्मान भारत यानी AB करके भी लिखा मिलेगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जो योजना है ये इलाज करता है जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनके लिए हेल्थ कार्ड, स्मार्ट हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। तो बोलता है कि इस कार्ड धारक को या जो लोग आयुष्मान भारत के अंदर आते हैं तो कितने रुपयों तक का फ्री ट्रीटमेंट उनको किया जाएगा, कैशलेस यानी बिना पैसों को फ्री इलाज उनका किया जाएगा, कितने रुपयों तक का। आपके ऑप्शन है 2 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 5 लाख। इस तरह के जवाब आपके, इस तरह के सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं, नाम भी पूरा याद रखिएगा, साथ ही साथ अमाउंट और इसकी खासियत भी याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी मंत्रालय पूछ लिया जाता है, तो पिछली बार हमने मंत्रालय भी आपसे पूछा था। आपको हर तरह के सवाल यहाँ पर मिलेंगे। फिलहाल आप बताइए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कितने रुपयों तक का कैशलेस फ्री ट्रीटमेंट होगा जिनके पास। ये मेनली BPL वाले को दिया जाता है,
अगर मे भी आप लोग में से कुछ लोग के पास होगा। चलिए समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका 5 लाख। 5 लाख रुपये तक का आपका फ्री ट्रीटमेंट किया जाएगा और बहुत सारे आपके जो हॉस्पिटल हैं वो इस फैसिलिटी को अवेल करते हैं। ये मेनली इसलिए किया गया था क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, एक तो उनकी संख्या बहुत कम है, दूसरा वहाँ पर कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव होता है, तो गरीब लोगों का बेहतर इलाज नहीं मिलने के कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं, जान भी चली जाती है। तो सरकार ने जो है इस स्कीम को लाया ताकि जो गरीब लोग भी हैं, जो वास्तव में गरीब हैं, जो बीपीएल रेखा से नीचे हैं, उनको स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, हेल्थ कार्ड दिया जाएगा और 5 लाख रुपये तक का आपका फ्री ट्रीटमेंट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपना इलाज करवा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है, ठीक है। चलिए, पिछली बार हमने आपसे जो है रेल मार्ग पूछ लिया, जल मार्ग पूछ लिया, अब आपको बताना है राजमार्ग के बारे में कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH, समझते हो ना, NH राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसकी देख रेख जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। ये आप उसका पूरा नाम भी देख लो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मेनली केंद्र सरकार की सड़कें होती है जो जिसकी मेंटेनेंस भी केंद्र सरकार ही करती है। आपको बताना कि भारत का सबसे लंबा NH कौन सा है। NH1 नेशनल हाईवे 1, NH2 और NH7 और NH44, इन चारों में से कौन सा नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर आप पुराने बुक्स देखोगे जीके की, तो उसमें और आज के बुक्स में आपको शायद अंतर भी दिख जाए। चलिए, समय समाप्त करता हूं दोस्तों और आपका सही जवाब जो है वो है आपका NH44 वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो आपका बिल्कुल उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। इससे पहले अगर पुराने जीके की बुक्स देखिएगा तो उसमें आपको संभवतः ये नाम मिल जाएगा NH7, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक थी। NH1 और NH2 जो मेनली है, ये आज के समय में जो आपको दिख रहा है, ये पहले का जो GT रोड था, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेर शाह ने मरम्मत करवाई थी, ये वही रोड है जिसको दो भागों में बांटा गया है। और NH1 आपको देखने को मिल जाएगा दिल्ली से लेकर के जो हमारा अमृतसर में जो बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर, ठीक है, वहाँ तक, और दूसरा दिल्ली से लेकर कोलकाता तक का जो हिस्सा था GT रोड का, उसको हमने कर दिया NH2। तो जब आप बिहार वाले क्षेत्रों से या झारखंड वाले क्षेत्रों से जब आप दिल्ली की ओर जाएंगे बाई रोड, तो आपको ये हाईवे देखने को मिल जाएगा। और जब दिल्ली से आप सोनीपत पानीपत होते हुए आगे जब आप अमृतसर की ओर जाएंगे तो आपको NH1 दिख जाएगा। ये वास्तव में प्राचीन काल का जो शेर शाह का बनाया हुआ GT रोड है, उसी को दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक था, जो पहले सबसे लंबा था, वर्तमान समय में आपका NH44 सबसे लंबा हो गया है। तो याद रखिएगा ये सारी चीज। चलिए अगला सवाल, 50,000 के सांकेतिक रूप के लिए आपका सवाल, और फिर से नॉट वाला एक सवाल है। मूवमेंट इतिहास में जितने भी आपके संघर्ष हैं उसको भी हम देखेंगे, या जो भी आपके आज़ादी के पहले के कानूनों हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 में अंग्रेजों के द्वारा एक कानून लाया गया था जिसको बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सी वो कथन है जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में सही नहीं है, ठीक है, गलत वाले को चुनना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑल्सो नोन एज मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, यानी ये जो कानून है इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को बोलता है कि मॉर्लेमेंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, या मॉर्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बोल रहा है इट इंक्रीज सीट इन सेंट्रल एंड स्टेट असेंबली, बोल रहा है कि इस कानून के द्वारा जो आपके केंद्रीय विधान परिषद थी, जैसे आज के समय में आप संसद मान लो, और जो राज्य की जो विधान परिषद थी या विधानसभा थी, जो आज के समय में आपकी विधानसभा है, जो मेनली कानून बनाने का काम करती थी उस समय, तो उसकी सीटों की संख्या इसने बढ़ाई, क्या ये सही है। और तीसरा बोल रहा है कि इट रिकमेंड कॉम्युनल रिजर्वेशन टू मुस्लिम, इसने मुस्लिमों को एक अलग से रिजर्वेशन दिया, ठीक है, सांप्रदायिक
जो है उनको आरक्षण दिया और उनको बोला गया कि जब चुनाव होंगे तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जो भी जिस एरिया में मुस्लिम लोग की आबादी ज़्यादा होगी वहाँ सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते हैं और मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के इनको आरक्षण मिला कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता ही वोट करेंगे और मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे। तो क्या ये तीनों के तीनों कथन इस इंडियन काउंसिल एक्ट से जुड़ते हैं? अगर जुड़ते हैं तो फिर आप डी के साथ जाएंगे। अगर तीनों में कोई भी आपको गलत लग रहा है तो फिर आप उसको मार्क करके कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दे सकते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। चलिए, समय समाप्त हुआ और इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका नन ऑफ दी एबव, क्योंकि आज जो आप देखोगे तो तीनों के तीनों ही सही है। 1909 का जो कानून है इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि उस समय भारत के जो सचिव थे वो थे मार्ले और जो भारत के वायसराय थे उनका नाम था मिंटो, लॉर्ड मिंटो या मिंटो टू भी इनको बोलते हैं। याद रखिएगा, इससे पहले भी एक मिंटो आए थे तो ये लॉर्ड मिंटो टू थे, दूसरे नंबर के। अंग्रेजों के यहाँ नाम की कमी थी तो वो ऐसे ही नंबर गेम खेलते रहते थे, 1 2 3 4। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इस कानून ने जो केंद्रीय विधान परिषद थी और जो राज्य की विधानसभा थी उन दोनों में सीटों की संख्या बढ़ा दी थी, लगभग 60 कर दिया था आपका केंद्रीय वालों में। फिर बोल रहा है कि इसने मुस्लिमों को अलग से रिजर्वेशन दिया। अभी जो हमने बताया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम लोग वोट कर सकते हैं, ऐसे रिजर्वेशन उनको दी गई थी। तो ये तीनों के तीनों कथन सही हैं आपके 1909 के लिए। आपके इतिहास के लिए ये जो कानून है 1909 का काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 80,000 रुपये के लिए आपका अगला सवाल है। इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, एक पूरा सिस्टम लॉन्च किया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं IRNSS। ये लगभग 2-2.5 साल हो गए, बट अब जो है ना इस सिस्टम को ऑपरेट होना शुरू हो गया, यानी लॉन्च तो बहुत पहले हुआ है लेकिन अब सरकार इस पर फोकस कर रही है और सरकार ने सभी कंपनियों को इसको फॉलो करने के लिए बोल दिया कि आप सभी जो है इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ये जो IRNSS जो सैटेलाइट सिस्टम है या ये जो मिशन था ये किस चीज़ में यूज आएगा। इसरो के द्वारा ही भेजा गया, अपनी जो इसरो है भारत की, किस चीज़ में हम इसका यूज करेंगे? कम्युनिकेशन यानी दूरसंचार, एक्सप्लोरेशन यानी खोज करेंगे अंतरिक्ष में, डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र के लिए, और फिर डी बोल रहा है नेविगेशन यानी यातायात के लिए, जैसे आप आज के समय में आप GPS यूज करते हो। तो आपको बताना कि क्या ये दूर संचार यानी आपकी जो सेवाएं हैं, चाहे टेलीफोन की सेवा हो, वीडियो कॉलिंग सेवा हो, क्या ये उसको बेहतर करेगी? क्या ये अंतरिक्ष के राज, तरह तरह के जो चीज़ें अंतरिक्ष में विद्वान है, क्या ये उसको खोजेगी? क्या ये हमारे रक्षा क्षेत्र में जो हमारे जो सीक्रेट चीज़ें होती है क्या ये उसको हेल्प करेगा? और क्या ये आपके नेविगेशन जो रास्ते में आप देखते हो ना कि सर्च कर लेते हो कि कहाँ जाना है, कहीं भी जाना है, आराम से सर्च करके चल देते हो। इन चारों में से बताना है कि आपको IRNSS किसका काम करेगा, किस काम में यूज आएगा। चलिए, समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ। सेशन आपके लिए यूजफुल और इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो इससे शेयर करते चलेंगे। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर, वो है आपका नेविगेशन। नेविगेशन यानी इस सेटेलाइट का जो यूज है वो आपके यातायात में किया जाएगा और ये पूरे भारत क्षेत्र, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी दुनिया में लागू नहीं होगा। जैसे अमेरिका का जो सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं GPS, फोन में भी देखोगे आप GPS होता है, जिसका पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यूरोप का देखो तो उसी ढंग से आपका ग्लोनास करके है, रूस का ग्लोनास है, यूरोप का कुछ और है, नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो ऐसे ही चीन का भी आप देखो तो वाइडू करके है। तो हम लोगों ने भी अपने यहाँ अपना एक नेविगेशन सिस्टम लाया है ताकि हम अपने यहाँ आराम से बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ रास्तों को ढूंढ पाए। कभी कभी आप कहीं जाओगे तो देखोगे कि आपका रास्ते तो होते हैं बट गूगल मैप पे वो दिखता नहीं है, क्योंकि जो GPS है ना वो पूरी दुनिया कवर करती है तो वो उतना एक्यूरेट नहीं हो पाता। जबकि ये जो IRNSS है जिसका पूरा नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, फिर से बोल दूँ, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी भारत के 1500 किलोमीटर के रेंज में ये आपका नेविगेशन का वर्क करेगा। भारत, पूरा भारत आएगा और उसके अलावा जो चारों तरफ 1500, जिसमें पाकिस्तान लगभग कवर हो जाएगा, चीन भी आ जाएगा, नेपाल, भूटान, इन क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इसकी पकड़
रहेगी। और ये बिल्कुल बोलता है कि एक्यूरेसी के साथ मात्र 4 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर के एक्यूरेसी के साथ आपको ये रास्तों को बताएगा। तो ये सुविधाओं के मामले में जो अमेरिका के GPS जो आज के समय में आप फ़ोन में देखते हो उससे कई गुना बेहतर है। और सरकार ने भी सभी फ़ोन बनाने वाली कंपनियों को इसका इंस्टॉल करना मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, तो आने वाले समय में आपको अपने फ़ोन में GPS मिले ना मिले IRNSS जरूर मिलेगा। चलिए, बीमारी से जुड़ा हुआ बायोलॉजी से जुड़ा एक सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई H1N1 वायरस। अभी तक हम लोगों ने टेस्ट आपको देख लिया कि कौन सा टेस्ट किसके लिए काम आता है, किस टेस्ट से कौन सी बीमारी का पता लगाता है। अब हम लोग चलेंगे किसके कारण ये होता है। तो बोलता है कि आज का सवाल है आपका कि H1N1 ये एक वायरस का नाम है, विषाणु का नाम है। तो आपको बताना कि H1N1 विषाणु से इनमें से कौन सा रोग फैलता है। आपके ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस यानी TB। इन चारों में वह कौन सी बीमारी है जो आपका H1N1 वायरस के द्वारा फैलता है। चलिए जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और सेशन अच्छा लगेगा दोस्तों, यूजफुल है, तो आप अपने प्यार भी दिखाते चलो, और क्या बोलूं। चलिए, आपका सही जवाब होगा यह है डेंगू। डेंगू आपका जो होता है वो एक विषाणु जनित रोग है और ये होता है आपके H1N1 वायरस से। कहीं कहीं पे आप देखोगे तो इसकी एक और वेरिएंट है H1N5, उससे भी आपका फैलता है, बट आमतौर पे आप देखोगे तो ये H1N1 से ही फैलता है। मलेरिया आपका ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है जो कि प्लाज्मोडियम लिस्मानिया जो है आपका वो प्रोटोजोआ है और मादा एनोफेज वो मच्छर है उससे फैलता है। एड्स भी आपके विषाणु से होता है जो कि HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस से फैलता है। और ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताया, ये भी आपका विषाणु जनित रोग है, ठीक है, जो आपके संक्रमण जो आपके फेफड़ों पे अटैक करता है। याद रखिएगा, डेंगू वाले में आपके प्लेटलेट्स जो खून को जमाने वाली जो प्लेटलेट्स हैं उसकी कमी होगी। मलेरिया मेनली आपके जो श्वसन तंत्र है उसको प्रभावित करेगा। ट्यूबरक्लोसिस मेनली आपके श्वसन तंत्र को करेगा और एड्स आपके नर्वस सिस्टम और आपके जो समझ लो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको अटैक करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपसे ये भी पूछा जाता है कि कहाँ किस कांच को यूज करते हैं। तो आज का एक सवाल है कि विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज फॉर स्पेक्टिकल लेंस। जब आप चश्मा स्पेक्टिकल बोलते हैं, ये जो पावर वाले चश्मे, धूप चश्मे की बात नहीं हो रही है, जो आपके पावर वाले या नॉर्मल कांच के जो चश्मे आप देखते हो, तो बोलता है कि उसमें उस लेंस को बनाने में, उसके लेंस को बनाने में, उस तरह के फ्रेम में आपका कौन से ग्लास का यूज होता है। ग्लास भी कांच भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, यूज के आधार पे, मटेरियल कंपोजिशन के आधार पे। तो आपको बताना है कि जो चश्मा है जो लोग यूज करते हैं मेनली पढ़ने लिखने में, तो उसमें कौन से कांच का यूज होता है। आपके ऑप्शन है क्रुक्स कांच, फ्लिंट कांच, सोडा कांच या जेना कांच। इन चारों में वो कौन से कांच है जिसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। क्रुक्स कांच, फ्लिंट कांच, सोडा कांच, जेना कांच, इन चारों में वो कौन सी कांच है जिसका इस्तेमाल होता है पावर के चश्मे बनाने में। समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ और आपका सही जवाब होगा वो है आपका क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच मेनली यूज होता है आपके इस काम के लिए और फ्लिंट कांच मेनली यूज होता है आपके प्रकनली वगैरह को बनाने में। सोडा कांच और जेना कांच काफ़ी ये सॉफ्ट कांच होते हैं, आसानी से टूट भी जाते हैं, बट ये वाइडली यूज होते हैं। जेना कांच स्पेशली बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है और ये दोनों सोडा और जेना वाले जो हैं ये काफ़ी सॉफ्ट हैं, आसानी से टूटने वाले हैं। तो याद रखिएगा, स्पेक्टिकल लेंस में चश्मे बनाने में आपका क्रुक्स कांच का इस्तेमाल होता है। 5 लाख रुपयों के लिए आपका सवाल। अभी तक हम लोगों ने फ्लोटिंग लेक कर लिया, डीप आपका सबसे बड़ा झील कर लिया, खारे पानी की झील कर ली, मीठे पानी की झील कर ली, मिट्टी और झील कर ली। अब हम लोग इस आखिरी झील वाले पे करेंगे कि भारत का सबसे गहरा झील कौन सा है, डीपेस्ट लेक कौन सा है भारत का। याद रखिएगा, ये 2 साल पहले ही चेंज हुआ है दोस्तों। इससे पहले जो है ना सबसे गहरा झील कोई और था। अभी जो है 2 साल पहले जो कोरोना के समय ही इस नए झील का पता चला था और इसकी गहराई जो है भारत में सबसे ज़्यादा, लगभग बोलता है कि 13 मीटर यानी लगभग 40-45 फीट डीप है। ये भारत का सबसे गहरा झील है। तो आपको बताना कि इन चारों में से वो कौन सा झील है जो आपका भारत का सबसे गहरा है।
आपके ऑप्शन है मानसबल झील, यानी मानसबल झील है, बुलर झील है, सनोवर झील है और पुलिकट झील है। इन चारों में वो कौन से झील है जो आपको भारत के सबसे गहरे झील हैं, जिसकी गहराई जो है सबसे ज़्यादा है? मानसबल झील, सनोवर झील, बुलर झील, पुलिकट झील। चलिए जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। समय समाप्त हुआ दोस्तों, और आपका सही जवाब है मानसबल झील। ये आपको देखने को मिल जाएगा जम्मू कश्मीर में, और कोरोना के समय ही इस झील की गहराई का वास्तविक पता चला था। तो याद रखिएगा कि ये 2 साल पहले ही चेंज हुआ है आपका, और जम्मू कश्मीर में ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बुलर झील के बारे में आपको पता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पुलिकट ये साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। और सनोवर झील ऐसा मतलब ये छोटी मोटी झील है, इसमें ऐसे कुछ बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। चलिए सेकंड लास्ट सवाल आज के लिए। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खाने पीने के शौकीन तो हम सभी हैं। तो बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनेस्को फूड सिटी। ठीक है, आप समझिए इतना फेमस है ये अपने खाने पीने के लिए कि यूनेस्को एक संस्था है जो दुनिया में धरोहर, जो चीज़ें आपकी यूनिक होती है, जो चीज़ बिल्कुल अपने आप में अनूठी होती है, ये इसको प्रिजर्व करता है, उसको दुनिया के सामने लाता है कि इसको आप देखिए, इसको आप टेस्ट कीजिए, इसको आप घूमिए। जैसे आप नालंदा का खंडर देख लो, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। बोधगया का मंदिर देख लो, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। आपकी ताजमहल देख लो, यूनेस्को साइट है। तो वैसे ही बोल रहा कि ये जो यूनेस्को है उसने इस शहर को इसके खाने पीने के कारण इसको फूड सिटी का दर्जा दिया है, यूनेस्को फूड सिटी का दर्जा दिया। तो आपको बताना है कि वह कौन सा शहर है इन चारों में जो अपने व्यंजन के कारण, खान पान के कारण इतना फेमस है, इतना फेमस हुआ कि यूनेस्को ने इसको फूड सिटी का दर्जा दे रखा है। आपके ऑप्शन है लखनऊ, पटना, सोनीपत, हैदराबाद। इन चारों में वो कौन से शहर है जो अपने जो है खान पान व्यंजन के कारण पूरी दुनिया में यूनेस्को फूड सिटी के धरोहर लिस्ट में शामिल है। हालांकि देखिए वैसे तो सब जगह का अपना एक खासियत होता है, लखनऊ कबाब फेमस है, पटना का लिट्टी चोखा, सोनीपत का अगर आप जाओगे तो वहाँ पर देखो कि भुट्टे और सरसों की साग वगैरह जो है, या और भी क्षेत्र में आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें फेमस है, हैदराबाद की बिरयानी आप देख लो फेमस है। तो आप इन चारों में से वो कौन सा शहर है जो यूनेस्को फूड सिटी का दर्जा जिसको मिल रखा है अपने खाने पीने के व्यंजन के कारण। चलिए समय समाप्त होता है और चलते हैं आंसर की ओर। उम्मीद है आपने अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दे रखे होंगे। चलिए आपका सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी भी है, पहले ये आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हुआ करती थी। तो ये जो है अपने तरह तरह के व्यंजनों के कारण जो है पूरी दुनिया में सबसे फेमस है, ठीक है। और उसके कारण देखिए इसको यूनेस्को हेरिटेज फूड सिटी का दर्जा भी दिया गया है। भारत में कुल 6-7 ऐसे शहर हैं जिसको अलग अलग कैटेगरी में आपके यूनेस्को के द्वारा धरोहर सूची में शामिल किया गया। जैसे श्रीनगर को देखिए तो पर्यटन के लिए फेमस है, कल्चर के लिए फेमस है। उसी ढंग से वाराणसी को देखिए तो ये संगीत के लिए फेमस है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अपने क्यूज के आखिरी पड़ाव, आखिरी सवाल पे आ गया। 10 लाख के सांकेतिक रुपयों के लिए, और मैं फिर से बोलता चलूं कि इस पूरे वीक में, ठीक है, 1 से 13 एपिसोड तक का हो चुका, उनके विनर की लिस्ट मैं अनाउंस कर दूंगा अभी से लेकर के आपके 14 से लेकर के 20 एपिसोड तक। जो सबसे अच्छा बिल्कुल लाइव वाले में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो इस आखिरी सवाल को सुने और ध्यान से और आंसर करेंगे कि विच सिख गुरु गिव ब्लेसिंग टू अकबर। कल के हमने देखा था कि वो कौन से सिख गुरु थे जिसको औरंगजेब ने मरवाया था। उससे पहले हमने गोविंद सिंह को देखा था। आज के बारे में बोल रहा है कि कौन से वो सिख गुरु हैं जिसने अकबर को आशीर्वाद दिया था, जिनसे अकबर मिलने गया था और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया, ठीक है। आपके ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अंगद और बंदा बहादुर। इन चारों में वह कौन से सिख गुरु हैं जो अकबर को आशीर्वाद दिए थे या जिनसे मिलने अकबर गया था, आशीर्वाद लिया, और साथ ही इनको जो है ना कुछ क्षेत्र दान में भी दिया था। हालांकि उन्होंने खुद से नहीं लिया, तो उनकी पुत्री जो है उनको अकबर ने ये गांव दान में दे दिए। और आज का जो आप देखोगे अमृतसर शहर, ये अमृतसर शहर या जो मंदिर है आज के समय में उसी भूमि पे बनी हुई है। तो
आपको बताना कि इन चारों में से वो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने अकबर को आशीर्वाद दिया था। चलिए इस आखिरी सवाल के आखिरी जवाब की प्रतीक्षा है और अपने जवाब बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से देंगे। एक दूसरे का सम्मान हमेशा बनाए रखें, एक दूसरे पे कमेंट या बहसबाजी ना करें, यह आपसे एक बिल्कुल इल्तजा है, और फोकस करें वीडियो पे, ठीक है। चलिए समय समाप्त होता है और आपका सही जवाब है अमरदास। गुरु अमरदास जो है इनसे मिलने गया था अकबर, और इन्हीं के द्वारा अकबर को जो है आशीर्वाद भी दिया गया था। जब इनको अकबर ने जमीन भेंट की तो इन्होंने अकबर की जमीनें या उनकी भेंट स्वीकार नहीं की। फाइनली आप देखोगे कि अकबर जो है इनकी पुत्री को वो सारी भेंट दे आते हैं, उनको उनको वो सौंप देते हैं, वो पूरी जमीन का जो भी कागज़ या जो भी ऐसा कुछ होता होगा राजपत्र टाइप का। और उसी के समय में आप देखोगे कि आज आपका अमृतसर शहर बसा हुआ, खास तौर पे वो मंदिर एरिया, ठीक है। तो ये था आपका KBC फॉर्मेट का एपिसोड नंबर 14। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार तीनों का ध्यान देंगे। नए साल में अपने अंदर कुछ नए गुणों का समावेश करेंगे, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप फिर उसको लाइक करेंगे, शेयर करते जाएंगे, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करते जाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए एक आखिरी रिक्वेस्ट थी। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हुई है, बट ये इन्फॉर्मेटिव काफ़ी है। जय हिंद।